हेलो फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। और इसके लिए मैंने लिया है एक गाजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और एक आधा मैंने कैबेज लिया है जिसको मैंने श्रेड करके रखा हुआ है, और एक ऑनियन का पीस है, ग्रीन ऑनियन, तो इसको भी मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये है एक छोटा ऑनियन जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए सॉसेस, जिसके लिए सोया सॉस चाहिए, रेड चिली सॉस और विनेगर, दो टेबलस्पून मैदा, एक टेबलस्पून के करीब मैंने, एक डेढ़ टेबलस्पून आप ये कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें अदरक बारीक कटा हुआ, एक इंच जितना अदरक लिया है बारीक कटा हुआ, तीन से चार मैंने लहसुन लिए हैं वो भी बारीक काट लिया है, और एक पार्ट ये ग्रीन ऑनियन का लिया है, और चिलीज ली है, एक चिली लिया है मैंने जिसको बारीक लंबे काट लिए हैं, ये ऑनियन है इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और कैप्सिकम इसको लंबा पतला कटा हुआ है, दो टेबलस्पून सॉस केचप लिया है मैंने, और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और दो टीस्पून कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाने के लिए, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमें सॉसेस की ज़रूरत पड़ेगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स जो है वो एक बाउल में ले लेते हैं। तो इस तरह से मैं ग्रेट किया हुआ कैबेज लेती हूँ पहले, कैबेज और कैरेट ले लेने हैं, सारी चीज़ें आप एक साथ भी डाल सकते हो। अब मैं ग्रीन ऑनियन डालूंगी, ग्रीन ऑनियन के दोनों पार्ट डाल रही हूँ मैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो भी मैं डाल देती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये जो दो टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था वो, और इसके साथ डेढ़ टेबलस्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसी के साथ हम एक चम्मच ये चिली सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस लिया है मैंने। अब मैं इसमें रेड चिली सॉस डालती हूँ, एक बड़ा चम्मच मैंने रेड चिली सॉस डाला है, और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेनी होगी। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसको, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ही हमने जो मैदा लिया है फिर भी ये अच्छी तरह से ये बाइंड होने लगा है, ज़्यादा मैदा मत लीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ मैदा मैदा का टेस्ट आता रहेगा, सब्जी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर देती हूँ, इस तरह से आप अपने मर्जी के अनुसार बॉल्स की साइज ले सकते हो, मुझे ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के बॉल्स रेडी करने हैं, तो इस तरह से बॉल्स रेडी कर देती हूँ मैं। तो इसी तरह से ये बॉल्स मैं रेडी कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये बॉल्स मैंने रोल करके रख दिए हैं,
तो इस तरह से रेडी है और तेल भी गरम कर लिया है। तो अब इसका फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं ये मंचूरियन के बॉल्स डालना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से एक एक बॉल्स लेते हुए हम ये फ्राई करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर डालते हुए हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से, और इसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। गैस की आंच आप स्लो से मीडियम रख सकते हो। तो इसको हम इस तरह से फ्राई करते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हम इसको धीमी आंच पे या मीडियम आप कर सकते हो, लेकिन फुल आंच कभी भी मत करना, अदरवाइज ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से जाली वाले बर्तन में ले लेती हूँ। तो इसी तरह से सारे मंचूरियन हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैं अब ये ग्रेवी की भी तैयारी कर देती हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैं तेल ले रही हूँ, गैस ऑन कर दिया है मैंने, और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें ये अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च जो है, एक हरी मिर्च ली थी मैंने, इसको हम सौते करेंगे। अब इसमें हम ये कैप्सिकम डालेंगे और प्याज। 1-2 मिनट के बाद हम हरा प्याज डालेंगे, स्प्रिंग ऑनियन जो है। अब इसमें हम स्प्रिंग ऑनियंस भी ऐड कर देंगे। स्प्रिंग ऑनियंस डालने के बाद इसको हम इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसमें डालेंगे विनेगर। डेढ़ टी स्पून विनेगर लिया है मैंने, और 1/2 टी स्पून सोया सॉस। ये सारी चीजें हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 1/4 ग्लास जितना पानी डाल देंगे। अब हम इसमें केचप ऐड करते हैं। एक छोटा चम्मच चिली सॉस, और ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ा गर्म होने तक हम रहने देंगे इसी में ही। और अब हम ये जो 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी कर देते हैं। सारी ये कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए उसके बाद ही हमें इस तरह से चारों तरफ डाल देना है। और अब ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए
अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ये ग्रेवी रेडी हो गई है। तो मंचूरियन बॉल्स अभी मैं रेडी कर रही हूँ, तो बाद में हम सर्व कर देंगे। तो ये देखिए ये स्लरी इसकी रेडी है, ग्रेवी और इसके ऊपर मैं मंचूरियन रख के सर्व कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और यमी मंचूरियन की रेसिपी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।